गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। आज है कृष्ण जन्माष्टमी का छठा दिन और आज के दिन हमारे यहाँ छठी पूजी जाती है, जिसके लिए ज्यादातर घरों में कढ़ी बनती है, क्योंकि जन्माष्टमी की पूजन के लिए कढ़ी बनाई जाती है। तो सुबह सुबह मैंने भी साफ सफाई करके घर का काम खत्म करने के बाद मैंने कढ़ी और चावल बना लिए। नहाने धो के कान्हा जी को भोग लगा दिया, जो भी घर में प्रसाद था। सुबह ढुल्लो जल्दी उठ गई थी, उसको स्कूल जाना था, तो उसने स्कूल जाने से पहले कान्हा जी को नहला धुला के उसके लिए चाय बनी थी तो उसने उसको चढ़ा दी थी प्रसाद में। फिर जब मैंने खाना बनाया तो मैंने खाना भी चढ़ा दिया। और इधर सब विराज और उसके पापा उठ गए थे, क्योंकि आज 31st था तो विराज की छुट्टी थी। अब दोनों जने उठ चुके थे, इसके पापा को हो रहा था लेट। फटाफट वो तैयार होके लंच वंच लेके अपना ड्यूटी निकल गए। अब विराज को भी कढ़ी चावल पसंद है, तो उसने भी डिमांड करी कि मम्मी मैं आज सुबह कढ़ी चावल खाऊंगा। तो उसको मैंने कढ़ी चावल खिलाया, चाय वाय पी के बाकी मैं लग गई घर के काम में। आज मेरे कमरे के पंखे में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, पंखा शायद चल तो रहा था, बस प्रॉपर हवा नहीं दे पा रहा था, इसलिए हमें ऊपर वाले कमरे में वहाँ पूरा दिन बिताना पड़ा, जिसके लिए हमें ऊपर कमरे में गए बच्चों का, वहीं पे मैं नाश्ता पानी खाना पीना वहीं लेके आए। थोड़ा सा बच्चों ने वहाँ मौज मस्ती करी, खाया पिया। खाना पीने के बाद मुझे थोड़ी सी थकान हुई, हम सो गए। उठी तो ऊपर गई छत पे तो तोरी की बेल में छोटी छोटी तोरियाँ निकलना शुरू हो रही थी, हमारे साथ ही वहाँ पे गिलहरियों ने काफी ज्यादा हमला कर रखा था। तो समझ रही हूँ अगर गिलहरियाँ अगर तोरी पे इतनी ज्यादा आती रही तो एक भी तोरी बचने वाली नहीं है। फाइनली नीचे आए, ज्यादा धूप ही हो रही थी, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, वापस मैं उसी कमरे में आ गई। इतने में ढुल्लो इधर उधर उधम कर रही थी, खेल रही थी, कभी लड़ाई हो रही थी। इतने में ढुल्लो मेरी चुन्नी पहन के बहुत देर तक डांस करती रही, थोड़ी सी मैंने वीडियो शूट करी, ढुल्लो ने भी बहुत डांस किया, विराज ढुल्लो लड़ते रहे। फाइनली हम सारा टाइम हमारा खत्म हो गया। एकदम से 4:30 बजे मुझे आ गई नींद, जब उठी तो शाम को 5:30 बज रहे थे, ढुल्लो सो रही थी। मैंने फटाफट कमरा ठीक किया और वापस मैं नीचे आ गई, क्योंकि नीचे भी काम पड़ा था और शाम का टाइम हो रखा था मम्मी की चाय का। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक ले बाय बाय।